आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के दंगल में बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गठबंधन पर बोला हमला। कहा यूपी में कांग्रेस नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, नीतीश कुमार हो गए हैं थर्ड राष्ट्रीय पार्टी। तमाम बड़ी बातें हैं जो गठबंधन को लेकर हमला बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कही है। दंगल में बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कही, पूरी बात आप खुद सुनिए। 8 थे, 4 कम, 105 थे, केवल 7 कम थे बहुमत से, और जिनके 38 थे उनकी सरकार बनवा दी और कह रहे उनकी सरकार थी। खैर वो विषय छोड़िए। देखिए जहां हम और आप लड़ाई में हैं, जैसे आप जहां सत्ता में हैं, बताइए कर्नाटक में हम ही से मुकाबला है ना, राजस्थान में हम ही से मुकाबला है, और मध्य प्रदेश में हम ही से मुकाबला है, छत्तीसगढ़ में हम ही से मुकाबला है। हम जहां सरकार में है उत्तर प्रदेश में, आप कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है टक्कर में, पता नहीं पड़े हुए किस चक्कर में। अब बताइए गुजरात में आपसे मुकाबला हुआ करता था, पता नहीं आपने क्या किया कि आधा परसेंटेज ऑफ वोट सौंप के दे दिया इनकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, मतलब वहां भी आप टक्कर से बाहर होते जा रहे हैं। तो ये गुणात्मक अंतर है दोनों में। अब चित्रा जी जो आप, और ये भी एक फैक्ट बता दूं, 209 सीटें हैं भारत में जहां कांग्रेस भाजपा का सीधा मुकाबला है। 2014 में भाजपा ने 168 जीती थी, 2019 में 175 जीती थी, इसलिए वहां पे। तो अब देखिए विपक्षी दलों की दृष्टि से सोचिए, ये सब कांग्रेस की कीमत पे राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि जहां इनका राज्य है वहां कांग्रेस की 2% 4% तो कुछ तो वोट है, पर जहां पर कांग्रेस को लड़ना वहां इनका 1% भी वोट नहीं है। तो मतलब बड़ा असहज संबंध क्या है कि कांग्रेस का यदि बंगाल में 2% वोट 4% वोट जो भी मानिए, ममता जी कहेंगी यहां हमारे लिए छोड़ दो, जहां हम तुमको समर्थन दे रहे हैं उदाहरण के लिए कर्नाटक में, वहां उनका 0.1% वोट भी नहीं है। वैसे आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी कर्नाटक में, उसका आंकड़ा मुझे नहीं पता कितनी सीटों पर लड़ी और कितनों पर जमानत जब्त हुई। अब नीतीश जी की बात कहता हूं, देखिए नीतीश जी का दल बिहार में तीसरे स्तर का दल हो गया है, ना वो सत्ताधारी दल ना मुख्य विपक्षी दल, थर्ड क्लास की पार्टी हो गए हैं। तो अब बिहार में ही उनकी प्रासंगिकता खोती चली जा रही है।